हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी खट्टी मीठी चटपटी कुंदरू की चटनी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम कुंदरू लिए हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून जीरा, इमली, कुछ हरी मिर्च और करिया पत्ती, 1/4 टीस्पून हल्दी है, कुछ लहसुन की कलियां, नमक और मूँगफली 3 टीस्पून है, और ये है तेल। उसके अलावा हींग, ये है तड़का लगाने के लिए, जीरा और सरसों दोनों मिलके 1 टीस्पून है, चना दाल और उड़द दाल ये भी तड़का लगाने के लिए दोनों मिलके 1 टीस्पून है, और कुछ सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले मैं कुंदरों को धो के छोटा छोटा काट लूँगी। मैंने कुंदरों को धो लिया है, काट लिया, हरी मिर्च को भी काट लिया है। उसके बाद मैंने रखा है पैन। पैन में 3 टीस्पून मूँगफली डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। भून के मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। सारी चीज़ें हमें अलग अलग भुनना है। फली भुन गए, मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब सेम उसी पैन में मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के इसमें मैं डालूंगी चना दाल और उड़द दाल, दोनों 1-1 टीस्पून है, डाल के धीमी आंच में थोड़ी देर भुनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा। पहले मैंने जीरा नहीं डाला क्योंकि चना दाल और उड़द दाल भुनने में थोड़ा सा टाइम लेता है और जीरा जल्दी भुन जाता है, इसलिए मैंने जीरा थोड़ी देर बाद डाला है। अब मैंने जीरा भी डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से सुनहरा होते तक भून लूँगी। ये चटनी बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इनको भून लिया है और सबको अलग अलग निकाला है, एक साथ नहीं मिक्स करना है। अभी सेम उसी पैन में मैंने 1 टीस्पून और ऑयल डाला है, डाल के उसमें मैंने डाला है हरी मिर्च को काट के। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, कम या ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन। एक लहसुन था, उसे मैंने छील लिया है, छील के दरदरा कर लिया, उसके बाद मैंने डाला है। अब इनको थोड़ा सा भून के मैं इसमें डाल रही हूँ कुंदरू। कुंदरू को छोटा छोटा काटना है, अदरवाइज़ ये जल्दी गलते नहीं है, क्योंकि कुंदरू थोड़ा मोटा होता है और पकने में या गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। अब मैंने इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसे मैं ढक के धीमी आँच पर 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में इसे मैं मिक्स करूँगी। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कुंदरू काफ़ी अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। इमली जो छोटा नींबू होता है उसकी साइज़ का मैंने लिया है। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हो तो थोड़ा कम कर सकते हो, और ज़्यादा तो ज़्यादा। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है। हल्दी मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है। अब मिक्स करके मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और ठंडा होने रख दिया। सारी चीज़ें ठंडी हो गई है, अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले मैं चना दाल और उड़द दाल को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्राइंड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें ग्राइंड करूँगी। अब ये ग्राइंड हो गया है, अब सेम इसी जार में मैं मूंगफली को डाल के ग्राइंड करूंगी। ये चटनी, कुंदरू की चटनी, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, इसे आप बनाओगे तो आपके घर में बच्चे बड़े सभी इसे बहुत पसंद करेंगे और आप इसे बार बार बनाओगे। जनरली बच्चे कुंदरू की सब्जी खाना पसंद नहीं करते, इस तरीके से चटनी बनाओ उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने दूसरा मिक्सी का जार लिया, उसमें मैं कुंदरू को ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने इमली डाला है। इमली में अगर कोई सीड्स हो गए तो उसे निकाल लेना। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा है, बट इसमें हम लोग अभी दाल और मूंगफली का पाउडर डालेंगे। ग्राइंड करते समय आप 2-3 टीस्पून पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक। अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये ग्राइंड हो गया है, इसमें मैं अभी डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया पहले भी आप डाल सकते हो, मैं अभी डाल रही हूँ। ये फ्रेश हरा धनिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया, अब हाथ से तोड़ के मैं इसको डाल रही हूँ। अब मैंने एक बार और ग्राइंड कर लिया है। अब हमारी चटनी बनके रेडी है, इसे हम लगाएंगे तड़का। उसके लिए मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। ये चटनी आप बना के फ्रिज के बाहर रख के 2-3 दिन तक खा सकते हो। फ्रिज में रखने से 1 वीक से ज़्यादा भी आप इसे रख के यूज़ कर सकते हो। अब मैंने सेम उसी पैन में 1 टीस्पून और ऑयल डाला है। अब तड़के की सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 इसमें डालूंगी। सबसे पहले मैंने डाला है चना दाल, उड़द दाल, और उसके बाद जीरा सरसों डाल के मैं सारी चीज़ें डालूंगी। उसके बाद मैं इसको डालूंगी चटनी के ऊपर। बस हमारी चटनी बनके रेडी हो जाएगी। आप भी ये टेस्टी कुंदरू की चटनी बनाइए। इसे गरम गरम रोटी चावल या इडली डोसे के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you.